दोस्तों नमस्कार। यह जो हमारा बिहार है, हम पूरे बिहार के जितने भी अनुरक्षक भाई लोग हैं, सभी भाई लोग हम लोग एक हैं। और जो भी अनुरक्षक का लीडर होते हैं, जो भी अनुरक्षक के हित के लिए संघर्ष करते हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारी लोगों की बातों के सामना करना पड़ता है। और इतनी बड़ी बिहार में, इतनी बड़ी संख्या में हम अनुरक्षक लोग हैं, तो कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जिनकी बात से जो है से हम खुश नहीं हो सकते हैं, हमारी बात से वो खुश नहीं हो सकते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि अगर एक पिताजी का पांच लड़का है तो पांचों लड़का पिताजी से खुश नहीं रह सकता है। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो पिताजी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पिताजी को भी ऐसा होता है कि कुछ वह लड़का से भी असंतुष्ट होते हैं। चलिए, ये सब तो होते रहता है, एक कहावत है छोटा सा। तो मैं सभी अनुरक्षक भाई से यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी बिहार के अनुरक्षक हैं, छोटी छोटी गलतियों को भुलाते हुए, और हम चाहेंगे कि सभी बिहार के अनुरक्षक एकजुट हो जाइए। छोटी छोटी गलतियाँ हर किसी से थोड़ा थोड़ा होता है, इसको सभी लोग भुला जाइए और फिर से एक बार सभी लोग संगठित हो जाइए। और मैं यही चाहता हूं आप सभी लोगों से कि मैं एक मुजफ्फरपुर में मीटिंग कराऊं, और वह मीटिंग जो होगा प्रदेश स्तरीय मीटिंग होगा। और जितने भी हमारे बिहार के लीडर हैं, जितने भी अनुरक्षक भाई हैं, सभी लोग तो मैं सलाह लेना चाहता हूं, राय लेना चाहता हूं कि मेरा जो विचार है वह मुजफ्फरपुर में मीटिंग कराने का, वह मीटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। मोबाइल नंबर भी आप जो है मैं हर जगह दे दिया हूं, मोबाइल पर भी आप हमसे कॉल करके हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं, राय दे सकते हैं। मुजफ्फरपुर में मीटिंग करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि पंचायत मंत्री जो है मुजफ्फरपुर का है, हम चाहते हैं कि हम लोग अपना जो समस्या है पंचायत मंत्री के साथ में रखें अधिक से अधिक संख्या में। जब पंचायत मंत्री को हम लोग अपनी संख्या दिखाएंगे और अपनी समस्या वहां पर रखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत मंत्री ने हम लोगों के हक और अधिकार के लिए लेटर जरूर निकल जाएगा। एक लेटर 5 तारीख के निकला हुआ है, उसमें उस लेटर पर कुछ लोगों को विश्वास है, अधिकांश लोगों को विश्वास संतोषजनक नहीं है। हम भी उस लेटर से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह लेटर जो है हमारे हक में है ये नहीं है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि पैसा WIMC के खाते पर जाएगा, और आज तक जितना भी WIMC के खाते पर पैसा गया है, सारी पैसा गमन हो गया है। आगे जो है जो फिर पैसा जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी गमन होगा या नहीं होगा। चलिए, इस मुद्दा पर हम विशेष बात करना नहीं चाहते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए धनराशि की जरूरत पड़ता है। बिना धनराशि का कोई भी संगठन नहीं चलता है। अगर आपके संगठन में पैसा है तो आप मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इसी धनराशि के आड़ में हमारे कुछ भाई लोग हैं जो गलत दुरुपयोग कर दिए हैं पैसा को, जिसके कारण हमारे बिहार में संगठन बनाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। खैर, अभी तक जो गलतियां हुई है, उस गलतियां को हम सभी लोग मिलकर चाहेंगे कि सुधार हो और फिर से नया रणनीति तैयार हो, और ऐसा गलती फिर दोबारा कहीं कोई ना करे, इसके लिए हम सभी लोगों का प्रयास रहेगा। तो मेरा कहना यह था कि जो संगठन में ताकत है, बिना संगठन का आप हक और अधिकार नहीं ले सकते हैं। अब संगठन में पैसा कहाँ से आएगा, संगठन मजबूत कैसे होगा? अगर आप अपने संगठन में पैसा देते हैं तो संगठन का वैल्यू होगा। अगर आप संगठन बना लेते हैं और उस संगठन में पैसा नहीं है, अगर कोई उस संगठन में पैसा नहीं दे रहा है, तो उसका संगठन का कोई वैल्यू नहीं होता है।
कोई उस संगठन पर विश्वास नहीं करता है, वह संगठन मजबूत नहीं होता है, कुछ दिन के लिए संगठन बनेगा और गायब हो जाएगा। तो अगर किसी कहीं संगठन बन रहा है और वहाँ पर अगर आप लोग पैसा दे दे रहे हैं तो पैसा कैसे देना है इस चीज़ को पहले जान लीजिए, तब संगठन बनाइए। अगर किसी एक व्यक्ति को आप पैसा दे देते हैं तो वह पैसा आपका गबन हो जाएगा, वह पैसा गायब हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने अपने प्रखंड में संगठन को बनाइए। जिस प्रखंड में लोग 10 आदमी जगे हुए हो या 20 आदमी या 50 आदमी या 100 आदमी, जितने भी लोग उस जगे हुए हैं उतना ही लोगों में एक संगठन को बैठक करके बना लीजिए। जिस प्रखंड में लोग नहीं जगा हुआ है वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ की बातें समाप्त कीजिए। लेकिन जहाँ भी जिस भी प्रखंड में लोग जगा हुआ है वहाँ का कीजिए कि एक बैठक कीजिए। उस बैठक में एक रजिस्टर रखिए, उस रजिस्टर में अपना बैठक का नियमावली लिखिए और उस बैठक में एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का चुनाव कीजिए। और आपके संगठन में जो पैसा की वसूली होगा, जो पैसा जमा होगा, वह पैसा जो है किसी एक आदमी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वह रजिस्टर लेकर के बैंक में जाइए जो आप बैठक किए हैं और कैशियर अध्यक्ष चुने हैं। बैंक में तीनों आदमी के नाम से खाता खुलवा लीजिए और वह राशि जो है जो भी आपके संगठन में पैसा होगा वह पैसा आपके बैंक में आप जमा कीजिए। किसी एक आदमी के हाथ में और पॉकेट में जमा मत होने दीजिए। उसका मतलब यह होगा कि जब भी राशि निकासी करना होगा तो इसके लिए आप लोग एक बैठक करेंगे और बैठक में निर्णय लेंगे कि हम फलाने काम के लिए राशि निकालना चाहते हैं। उसका जो है रजिस्टर पर लिखिए, सभी लोगों से साइन कराइए, तब जाकर राशि निकालिए। वह राशि जो है वह तीन आदमी के नाम से जो खाता खुलेगा वह तीन आदमी साइन करेगा तभी बैंक से राशि निकलेगा, नहीं तो राशि नहीं निकलेगा। इससे यह होगा कि आपका राशि गमन नहीं होगा। अब इस पर कुछ लोगों के मन में विचार यह भी आ रहा होगा कि अगर वह तीनों आदमी का कहीं मन एक जैसा हो जाए तो क्या होगा, पैसा वह तीनों आदमी निकासी करके गमन कर सकता है? तो इसका भी जवाब है, अगर ऐसा आप लोगों को लगता है कि वह तीन आदमी इकट्ठा होकर अगर राशि को गमन कर सकता है तो फिर आप लोग एक बैठक कीजिए। उस बैठक में वह तीन आदमी आवे या नहीं आवे इससे मतलब नहीं है, फिर आप लोग एक बैठक कीजिए और बैठक में आप लोग रजिस्टर पर क्या कीजिए कि एक नियम लिखिए और उसमें असंतुष्टजनक जनाइए कि यह अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष जो है हमारे संगठन में नहीं है, या इन लोगों को पैसा देने से रोका जाए। बैंक में एक आवेदन अगर दे देते हैं बैठक करके तो तीनों आदमी जो है पैसा नहीं निकालेगा, वो पैसा पर रोक लग जाएगा, वो पैसा आपका बैंक में ही रहेगा। फिर आप लोग जैसे ही बैठक कीजिएगा, अगर कोषाध्यक्ष बदलने का मन हो, अध्यक्ष बदलने का मन हो, तो उसी बैठक में फिर आप बदल भी सकते हैं। तो इस तरह से रजिस्टर के माध्यम से अगर आप नियम कानून के माध्यम से बैठक करते हैं, नियम बनाते हैं, तो आपका संगठन नहीं टूटेगा। और एक बात का और ध्यान रहे कि वह रजिस्टर आप लोग का नियम बनेगा, उस रजिस्टर को सभी लोग फोटोस्टेट करा कर सभी लोग अपने अपने पास रखेंगे। तो संगठन आप लोग बनाइए और किसी भी जिला में या प्रदेश में कहीं भी मीटिंग होता है और वहाँ मीटिंग जब होता है तो आप तहकीकात कीजिए, जानकारी लीजिए और सभी लोग मिलकर के, सभी जिला के लोग मिलकर के, सभी प्रखंड के लोग मिलकर के, अगर आपको लगता है कि यहाँ सहयोग करना चाहिए तो सभी लोग मिलकर जब सहयोग करेंगे ना तो मीटिंग कराने वाले का हौसला बुलंद होगा। मीटिंग कराने वाला का जो भी आपका ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, जो भी आपको मदद करने वाले लोग हैं, वह आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और काम मजबूती से करेंगे। अगर आज कल हम लोग जो फेलिया जा रहे हैं, बैक हो जा रहे हैं, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक ही रीज़न है कि पैसा। अगर पैसा रहता
तो हर कोई आदमी आगे बढ़ चढ़ के काम करता, लेकिन ओनली वन पैसा के कारण। सारी जानकारी तो है, सब कुछ करना तो है, लेकिन पैसा के कारण कोई आगे कदम नहीं बढ़ाता है, कोई आगे कदम नहीं आगे चल पाता है। कि अगर हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो पैसा अगर देना पड़ेगा तो संगठन तो है ये नहीं है, कोई सहयोग करेगा नहीं, तो पैसा एक आदमी क्यों लगाएगा भाई। तो इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, जो आपको अच्छा लगे उसी को, जो आपके लिए आपका अधिकार के लिए लड़ रहा है और आपको लगता है कि इन आदमी को मदद करना चाहिए, तो आप बैठक करके अपने समूह में राय विचार लेकर के और उस व्यक्ति को मदद कीजिए ताकि वह आदमी आगे बढ़े। लेकिन ध्यान रहे, पैसा मोटा मोटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। हाँ, पैसा कहाँ देना है, अगर कहीं जिला में मीटिंग हो रहा है या पटना में मीटिंग हो रहा है, उस मीटिंग में पहुँचिए, वहाँ बैठिए, बैठ करके वहाँ के खर्चा को समझिए। अगर खर्चा जायज है तो सभी लोग मदद कीजिए। अगर कोई आदमी मीटिंग करा रहा हो और हिटलर शाही की तरह मीटिंग करा रहा हो, खर्चा नाजायज कर रहा हो और आप उस खर्चा से असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ पैसा नहीं देना चाहिए तो पैसा मत दीजिए, अगर लगता है कि पैसा देना चाहिए तो वहाँ पैसा दीजिए। तो इस तरह से आप लोग संगठन को मजबूत रखिए। लड़ाई बहुत लंबी लड़ना है। अभी सरकार के तरफ से हम लोगों को पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया है जिससे हम लोग संतुष्ट हो चुके हो जाएंगे कि हम लोगों को अधिकार मिला है, क्योंकि अभी तक सरकार का नज़र जो है हम लोगों के ऊपर नहीं है। बस विभाग, जो भी विभाग है, जहाँ भी पैसा आ रहा है, वो पैसा सिर्फ आज तक घोटाला होता हुआ है, घोटाला के अलावा कुछ नहीं हुआ है, और आगे भी उम्मीद लगता है कि जो भी राशि आएगा वो घोटाला के तरफ ही जाएगा। क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होइएगा, जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक आपका राशि घोटाला होता जाएगा। इसलिए संगठित बनिए, एकता बनिए, आपस की लड़ाई झगड़ा को समाप्त कीजिए। और मेरा मोबाइल नंबर है 97-71-92-45-47। इस मोबाइल नंबर पर आप लोग अपना राय विचार दीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा आप लोग का राय होगा, जैसा आपका विचार होगा, हम आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।